ऐसे यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छा है यार, तो लाइटिंग बहुत अच्छा है। ओके गुड मॉर्निंग। ये आपका एक टॉपिक जो रह गया था ईसीएम और ईटी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए कि ये टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ थ्री फेस पावर, दिस इज ए कॉमन टॉपिक फॉर ईसीएम और ईटी दोनों के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इट इज फॉर बोथ ईसीएम एंड ईटीई। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक, मतलब ईटी सब्जेक्ट वालों के लिए भी ये कॉमन है और ईसीएम सब्जेक्ट वाले, तो ऑल सेकेंड ईयर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डीआईटी, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सिविल वोकेशनल ऑटो और लेदर और आर्किटेक्चर सबके लिए ये कॉमन टॉपिक है, एंड इट इज मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर। दोनों सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने थ्री फेज सर्किट्स के बारे में पढ़ा है। इफ यू रिमेम्बर दिस इज ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम, दिस कैन बी यू कैन एज्यूम दिस टू बी अ लोड जेड आर, ये जेड वाई और जेड बी टाइप, एक स्टार कनेक्टेड आप एज्यूम कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर, और पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं आपको पता है वैसे, पावर पावर पी इज इक्वल टू वी आई, और फॉर दैट मैटर एक्टिव पावर इज वी आई कॉस फाई। तो पावर मेजर हम कैसे करते हैं, मेजर पावर यूजिंग वाट मीटर, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो प्लीज रिमेम्बर दैट वी यूज अ वॉट मीटर, वी यूज अ वॉट मीटर टू मेजर द पावर। ठीक है, एंड वॉट मीटर हाउ डज इट लुक लाइक, वॉट मीटर लुक समथिंग लाइक दिस। देखिए दिस इज अ वॉट मीटर, यू कैन सी दिस, दिस इज अ वॉट मीटर। ठीक है, सो वॉट मीटर में दो कॉइल्स होते हैं मीटर में, दिस इज कॉल्ड एज सी सी करंट कॉइल, सी सी करंट कॉइल सी सी, एंड द बिलो वन इज कॉल्ड एज प्रेशर कॉइल पी सी, प्रेशर कॉइल पी सी। ओके, तो करंट कॉइल मेजर्स और हेल्प्स इन मेजरिंग करंट, एंड प्रेशर कॉइल हेल्प्स इन मेजरिंग वोल्टेज, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट यूजिंग वोल्टेज एंड करंट टोटल पावर। तो वॉट मीटर लुक समथिंग लाइक दिस विथ टू कॉइल्स, करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। यू कैन सी दैट करंट कॉइल इज मोर थिक एंड लेस इन टर्न्स, क्योंकि करंट कॉइल में जितना ज्यादा करंट सिस्टम का है वो तो पूरा फ्लो करना चाहिए, तो इसलिए व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू हैव द करंट कॉइल एज थिक एज पॉसिबल सो दैट इट अलाउज मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट, बिकॉज जो भी सिस्टम का करंट है वो सबको व्हाट डू यू से सहना पड़ेगा इस कॉइल को, तो उसे मोटा रखते हैं हम लोग। तो करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल, एंड किसी भी सिस्टम में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे कनेक्ट करते हैं, इस तरह से। तो यूजिंग अ वॉट मीटर यू कैन मेजर पावर बिटवीन टू टर्मिनल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ थ्री फेज पावर एंड वी हैव थ्री टर्मिनल्स, एंड यू कैन ऑल्सो से वी हैव अ न्यूट्रल लाइक दिस स्टार कनेक्शन। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पावर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वॉट मीटर, वॉट मीटर ओनली हैज, आई मीन यू कैन से कि हम सिर्फ दो टर्मिनल्स में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से कैन कनेक्ट वॉट मीटर लाइक दिस। ऐसे वॉट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक फेज में, ताकि
एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में हम कनेक्ट करेंगे ताकि इसका पावर हमें पता चल जाए। तो दिस इज पावर इन आर फेज पी आर, ये वॉट मीटर आपको आर फेज देगा। सिमिलरली एक और वॉट मीटर अगर हम वाई फेज में लगाएंगे तो पी वाई आपको मिलेगा, वाई फेज का पावर मिलेगा। सिमिलरली बी में लगाएंगे तो बी फेज का पावर मिलेगा। तो ईच इंडिविजुअल फेज में फेज पावर, ईच इंडिविजुअल फेज में एक वॉट मीटर लगाएंगे तो हमें तीनों के अलग अलग फेज पावर्स मिलेंगे। एंड तो टोटल पावर पी विल बी इक्वल टू पी आर प्लस पी वाई प्लस पी बी। सिंपली एक थ्री फेज सिस्टम में टोटल पावर विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल फेज पावर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्री फेज पावर को कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन हैव थ्री वॉट मीटर, इसको हम थ्री वॉट मीटर मेथड बोलते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, मतलब सिंपली ऐसा कोई खास चीज भी नहीं है। सिंपली आप थ्री वॉट मीटर मेथड में तीनों वॉट मीटर्स को तीन फेजेस में कनेक्ट करके मेजर करेंगे और उन तीनों का जो है उन तीनों का सम करके टोटल पावर फाइंड कर सकते। ओके, उन तीनों का सम करके टोटल पावर फाइंड कर सकते। सो वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड एज वी कैन हैव टू वॉट मीटर ऑल्सो, जिसको हम टू वॉट मीटर मेथड बोलते हैं। वो आज हम देखने वाले हैं कि टू वॉट मीटर मेथड से हम थ्री फेज पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज और स्टडी अबाउट टू वॉट मीटर मेथड स्पेशली। थ्री वॉट मीटर इज नॉट ए स्पेशल मेथड, इट इज अ सिंपल मेथड वेयर ऑल थ्री फेजेस विल हैव थ्री वॉट मीटर्स। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पर चाहिए तो थोड़ा सा वो कर लीजिए। So I have one wattmeter here and one wattmeter here. All their pressure coils are connected across the phase and the neutral. Phase and the neutral. Okay. Across the phase and the neutral. So neutral is a common point for all the three wattmeters. Phase and neutral ke beech mein, phase and neutral ke beech mein, phase and neutral ke beech. Ye three wattmeter method ho gaya. Isme koi ऐसे कोई खास बात नहीं है। सिंपली यू ट्राई टू मेजर द वॉट्स अवेलेबल इन ऑल द थ्री एंड जस्ट एड देम अप। टू वॉट मीटर मेथड में हम एक वॉट मीटर को कम करके स्टिल वी आर ट्राइंग टू मैनेज एंड फाइंड आउट द थ्री फेज पावर। मतलब कहने का मतलब यह है कि तीन वॉट मीटर के बदले में मैं दो वॉट मीटर से भी काम चला के पावर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू प्रूव। ओके, सो दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड एक्चुअली टू वॉट मीटर मेथड, बिकॉज सिंपली वॉट मीटर आपको कम पड़ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट वैसे देखा जाए तो कम पड़ जाएगा आपके आपके लिए। तो उसके लिए आई विल ट्राई टू डायग्राम में बहुत ज्यादा अंतर है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ न्यूट्रल सेपरेटली व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू यूज एन एग्जिस्टिंग फेज एज ए न्यूट्रल।
मैं कैसे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो देखना इम्पोर्टेंट। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दो वाट मीटर लिए हैं, और जैसे 3 वाट मीटर में हमने किया था, ईच वाट मीटर का जो प्रेशर कॉइल है वो फेज और न्यूट्रल के बीच में होता था 3 वाट मीटर में, लेकिन यहां मैं क्या कर रहा हूं, 2 वाट मीटर मेथड में 2 फेजेस में मैंने मीटर्स लगाए और थर्ड फेज को मैंने न्यूट्रल माना, तो क्या होगा, प्रेशर कॉइल ऑफ फर्स्ट फेज इज बिटवीन फेज एंड थर्ड फेज, प्रेशर कॉइल ऑफ सेकेंड फेज इज बिटवीन फेज एंड थर्ड फेज, तो थर्ड फेज को मैंने एक तरह से न्यूट्रल लेकर काम शुरू किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसको मैं W1 और आई कैन से, हाँ ठीक है, W1 कर दो और W2 कर दो। ठीक है, और ये आपका IR, और ये आपका IY, और ये आपका IB नॉर्मली। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 फेज सिस्टम थियर, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा था वो, मतलब इससे पहले जो पढ़ा है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करें। ठीक है, तो करंट इन W1, करंट इन W1 कितना है, IR। ठीक है, एंड देन करंट इन W2 इज IY। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, करंट इन W2 इज IY। लेट मी जस्ट चेंज दिस फॉर आवर सेक, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं, इसको हम टेक दिस एज अवर थर्ड फेज, इसको हम एक न्यूट्रल लेते हैं, वैसे इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, जस्ट वांटेड टू फॉलो द टेक्स्ट बुक दिस वन, आप किसी को भी लेंगे तो भी डेरिवेशन में कोई डिफरेंस, प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यू कैन डू इट आइदर वाइज। यहां मैंने क्या किया, जस्ट आई जस्ट मेड अ स्मॉल चेंज, आर वाई और बी है, तो R और B को मैंने फेज लिया है, ठीक है, और Y को मैंने न्यूट्रल जैसा लेकर कॉमन टर्मिनल लेके कर दिया, तो इट विल बी जस्ट अ स्मॉल चेंज हियर, आप चाहो तो वो भी करके देख सकते हैं जो मैंने शुरू किया था, उसको भी कंटिन्यू करके देख सकते हैं, इवन देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, मतलब 2 वाट मीटर मेथड से आप 3 फेज पावर फाइंड कर सकते हैं, IR IB होगा W2। ठीक है, ये तो करंट हो गया, अब वोल्टेज, और यू कैन से पोटेंशियल, और वोल्टेज इन W1, वोल्टेज इन W1 इज VR Y। ये क्या, अगर आपको याद है तो करंट जो है करंट कॉइल को बताएगा, करंट कॉइल जो है करंट को बताएगा, और प्रेशर कॉइल जो है वोल्टेज को बताएगा, तो करंट कॉइल जो कैरी कर रहा है वो IR है, यही चीज मैंने बता दिया W1, W2 का जो करंट कॉइल कैरी करते हैं वो IB है। ठीक है, W1 का जो प्रेशर कॉइल है, दिस टेल्स अस अबाउट द वोल्टेज बिटवीन विच इट इज कनेक्टेड, तो
आर फेस और वाई फेस के बीच में कनेक्टेड है यहाँ पर प्रेशर कॉइल, सो इट विल बी वी आर वाई, सो वी आर वाई। एंड सिमिलरली वोल्टेज इन डब्ल्यू टू किस किस के बीच में, देखिए डब्ल्यू टू इज बी और वाई के बीच में, सो इट विल बी वी बी वाई, ओके वी बी वाई। सो P power measured in watt meter 1 P1 or you can say it as W1, power ko W se measure kar lete hain aur represent karte hain without any confusion, watt meter reading W1 should be equal to VRY into IR into cos phi, cos phi is between these two, so remember ye cos phi 1 hai W1 ka, so W2 is equal to V by into ib into cos phi 2. This is simple. वॉट मीटर जो मेजर कर रहा है वो ये वाला पावर है ट्रूली स्पीकिंग, तो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वी आर वाई आई आर इंटू कॉस फाइव वन, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू वी बी वाई आई बी इंटू कॉस फाइव टू, तो जो भी डब्ल्यू वन मेजर कर रहा है वो इतना है, ठीक है वो इतना है। अब एक बार और एक्सपैंड करने के लिए W1 इज इक्वल टू वी आर वाई इंटू आई आर इंटू कॉस फाइव वन, और फाइव वन इज द एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर, वॉट इज वी आर वाई, वी आर वाई इज द फेज वोल्टेज, आई आर इज द लाइन करंट, सॉरी लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में कितना एंगल होगा फेज एंगल, एक बार आप थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम को पढ़िए और रिवाइंड कीजिए रीप्ले कीजिए, यू वुड बी सीइंग दैट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कॉस 30 प्लस फाइव होगा, ठीक है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कॉस 30 प्लस फाइव होगा। सिमिलरली W2 हमने जब स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम पढ़ा था तो ये चीज हमने पढ़ी है, सिमिलरली W2 इज इक्वल टू वी बी वाई एंड आई बी इंटू कॉस फाई टू, अगर हम देखें तो ये होगा कॉस 30 माइनस फाइव, ठीक है कॉस 30 माइनस फाइव। तो नाउ यू हैव कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ W1 एंड W2। लेट अस एज्यूम फॉर कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी, assume VRY magnitudes में VRY is equal to VYB is equal to VRP, ठीक है मतलब ये दोनों जो भी है ना VBY sorry VRY और VBY इसको हम line voltage मान ले, VL ये line voltages है ही वैसे common मतलब same मान लेते हैं। similarly IR is equal to IB is equal to IL, ये भी मान लो IL मान लो, ठीक है IR और IB दोनों को IL मान लेता हूं, ठीक है दोनों को IL मान लेता हूं, बिकॉज टू मेक इट मोर सिंपलर ये दोनों लाइन वोल्टेजेस है तो VL सेम मान लिया, मतलब मैंने सोचा कि बैलेंस्ड सिस्टम है मेरा तो सेम वोल्टेज होगा मैंने ये मान लिया। अब थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, क्या है तो W1 इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 प्लस फाइव, ठीक है W2 इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 माइनस फाइव, तो टोटल पावर अभी इस सिस्टम में टोटल पावर क्या हुआ, टोटल पावर इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दैट्स ऑल बिकॉज़ वी हैव ओनली टू पावर, सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ऐड करके देखो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज VL IL, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो cos 30 प्लस 5 प्लस cos 30 माइनस 5, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको W इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा आपको। आप मैथमेटिकली और ट्रिग्नोमेटिकली इसको सॉल्व करके देखिए, यू विल गेट W इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। तो दिस शोज दैट जो थ्री फेज पावर, अगर आपको याद है तो थ्री फेज पावर स्टार कनेक्टेड सिस्टम में पावर थ्री फेज इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव था, ठीक है? ये आपने पहले ही डिराइव किया हुआ था जब आप स्टार और डेल्टा पढ़ रहे थे। तो इसको, ये तो कैलकुलेशन के लिए, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते जो रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव दे आपको। तो मेजरमेंट के लिए आपको वॉट मीटर एक एक फेज में लगाना पड़ेगा, और तीनों फेजेस में अगर लगाएंगे तो भी आपका वॉट मीटर थ्री फेज पावर देगा। लेकिन उससे बेटर आइडिया ये है कि अगर तीनों फेजेस के बदले में सिर्फ दो फेज में लगाएं, तीसरे फेज को मैं रेफरेंस या न्यूट्रल मान के चलाऊं, और तब इन दोनों का जो सम है, मैंने प्रूव किया है कि दो वॉट मीटर मेथड को भी ऐड करके मुझे वही पावर थ्री फेज पावर मिल रहा है। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए थ्री वॉट मीटर मेथड, आई कैन ऑल्सो यूज टू वॉट मीटर, बट द थर्ड फेज शुड बी ट्रीटेड एज रेफरेंस और एज एन मतलब कॉमन टर्मिनल की तरह यूज करके मैं कर सकता हूँ। टू वॉट मीटर मेथड में ये इल्यूजन या ये कंफ्यूजन हटा दो कि इसमें न्यूट्रल लगा के अलग से ये दोनों न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, नहीं, थर्ड फेज को आप न्यूट्रल बनाएंगे तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है? न्यूट्रल के जैसे बनाएंगे तो ही ये पॉसिबल। तो W इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, दिस इज द टोटल थ्री फेज पावर। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग थ्री वॉट मीटर्स प्रेजेंट इन थ्री डिफरेंट फेजेस, यू कैन ऑल्सो हैव टू वॉट मीटर फॉर मेजरमेंट, एंड इवन देन यू विल बी एबल टू अचीव द सेम थ्री फेज पावर, मतलब मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है? अब लास्ट थ्री वॉट मीटर टू वॉट मीटर मेथड हो गया, सिंगल वॉट मीटर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन यूज सिंगल वॉट मीटर मेथड ऑल्सो। अच्छा एक मिनट, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आई विल कम बैक टू यू। सो W ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, और दिस इज इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब दोनों वॉट मीटर्स का जो एडिशन है वो आपको थ्री फेज पावर दे रहा है। तो सब्ट्रैक्शन क्या दे रहा है, W2 माइनस W1 अगर आप चेक करेंगे ऐसे ही सॉल्व करके, तो वो आपको रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाई दे रहा है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी कैलकुलेशन या डेरिवेशन हमारे लिए नहीं है, बट स्टिल आप ये कर सकते हैं। W2 माइनस W1 करेंगे मतलब टू वॉट मीटर मेथड में दोनों वॉट मीटर के रीडिंग्स को ऐड करेंगे तो आपको थ्री फेज पावर मिल रहा है। कॉस फाई का पावर क्या होता है, एक्टिव पावर। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे W2 माइनस W1, साइन फाई का वो मिल रहा है, तो ये क्या है, रिएक्टिव पावर। सो एक्टिव पावर आपको ऐड करने से मिल रहा है दोनों का, और रिएक्टिव पावर आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है। तो टू वॉट मीटर मेथड से आप एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों ही मेजर कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर ये दोनों आ गए तो टोटल एपरेंट पावर भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? दैट इज व्हाट एडवांटेज ऑफ टू वॉट मीटर मेथड, ओके? और आप चाहो तो फाई भी निकाल सकते हैं, कैसे, टैन फाई कॉस फाई साइन फाई बाई कॉस फाई टैन फाई आएगा। टैन फाई का मतलब W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है? और फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है? दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट फाई ऑल्सो, ओके? नाउ सॉरी, नाउ मैं जो चीज यहां पर रह गया था, वी कैन ऑल्सो यूज वन वॉट मीटर मेथड सिंगल
इसमें एक ही स्टेटमेंट या एक ही सेंटेंस है, वन वॉट मीटर मेथड को तब यूज कर सकते हैं जब आपका बैलेंस्ड सिस्टम है। क्यों? बैलेंस सिस्टम का मतलब अगर एक फेज का पावर आपने निकाल दिया 3 × 1 फेज पावर, बैलेंस सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, एक वाट मीटर से आप काम चला सकते हैं। कैसे? एक वाट मीटर से एक फेज का पावर निकालेंगे और क्योंकि वो बैलेंस सिस्टम है हर फेज में उतना ही पावर होगा, तो 3 times आप सिंगल फेज पावर वाट मीटर का जो करेंगे इसको आप 3 times W कर दो, W इज द वाट मीटर वैल्यू, 3 times W करेंगे तो आपको 3 phase पावर आ जाएगा सिंगल वाट मीटर मेथड में। लेकिन कंडीशन यहां क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, सिस्टम बैलेंस्ड होना जरूरी है, अदरवाइज आप ये चीज नहीं कर सकते। अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो एक फेज में पावर कैलकुलेट करेंगे, बाकी 2 phases में अलग अलग पावर होगा, तो 3 times थोड़ी ना हो सकता है। तब तो आप इंडिविजुअली तीनों में 3 wattmeter लगा के तीनों को सम करके फिर 3 phase पावर निकालेंगे, या फिर बेटर है कि 2 wattmeter मेथड आप अपनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 2 wattmeter मेथड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज फॉलो इट प्रॉपरली, फॉलो द क्लास प्रॉपरली। ओके, थैंक यू। ये जैसे मैंने कहा दिस इज ए कॉमन टॉपिक फॉर ECM and ETE, तो प्लीज याद रख लीजिए कि जो ये टॉपिक रह गया था पहले यूनिट्स में उसी को मैंने यहाँ पर कवर किया। ओके, थैंक्स अ लॉट।